हाँ चलो भाई ठीक है, हम लोग लास्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे थे एनएलएम में, उसी को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन और करते हैं ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आपको बताना है क्या, फाइंड टेंशन बताना है, क्या बताना है, एक्सेलरेशन, टेंशन एंड क्या, एक्सेलरेशन, हाँ दिमाग वाला टेंशन नहीं, यस यस सर, मान लो ये ऐसा कोई भेज है, सही है, ये फिक्स है ना, yes, नीचे वाला क्या है, ये फिक्स है, ये नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं इसको भी चला देना ठीक है, yes, इसको भी चलाएंगे आगे चलकर समय के हिसाब से। और यहाँ पे एक रखा हुआ है, मान लो कितने केजी का, 10 केजी का ब्लॉक रखा हुआ है, कितने केजी का है, 10 केजी का, क्लियर हो। और इधर एक रखा हुआ है, कितना बोल दूँ, ये 10 केजी, और इधर रख देते हैं एक, एक मिनट रुको ना, 9 केजी का या 8 केजी का, कितने केजी का, 8 केजी का, सही है, पक्का, और ये एंगल कितना लेते हैं, 37 डिग्री। देखो इससे पहले जो मैं क्वेश्चन करा रहा था उन क्वेश्चनों में क्या बात था, अपन ऐसा हॉरिजॉन्टल रखे थे ना सरफेस को, सही है, अब यहाँ पे क्या किया है, इंक्लाइंड कर दिए एक साइड में और दूसरे साइड में वर्टिकल लिए, आपको टेंशन बताना है और क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। थोड़ा सा मैं स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए आपको बता दूँ, और मैं पहले भी बता चुका हूँ ये बात कि सुन लीजिए कि कभी भी इंक्लाइंड पे रखा हुआ रहेगा तो इस पे सुन लीजिए मेरी बात, लगने वाले फोर्स mg होगा इधर MG नीचे, और नॉर्मल ऐसे होगा, yes, बाकी टेंशन वगैरह जो लग रहा होगा वो तो लगा होगा ही, तो सही है। तो mg के दो कंपोनेंट होते थे, एक इधर वाला mg साइन थीटा और इधर वाला क्या, mg कॉस थीटा, हाँ अगर ये दोनों लगा दिए कौन, mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा, तो mg लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि mg का ही कंपोनेंट है तो क्यों लगाएंगे भाई, समझ आ रहा है बात, है ना, ये mg है सही है, और ये एंगल क्या है, थीटा है, एंगल जो इंक्लाइंड का हॉरिजॉन्टल के साथ होना चाहिए है ना, थीटा, क्लियर हो। अब पहला मतलब इसी चीज को अपने को ध्यान रखना है थोड़ा सा, और क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जाएगा, समझ आ रही बात, क्लियर हो। पहला समस्या ये है कि मुझे ये बताओ कि ब्लॉक किधर मूव करेगा, 8 केजी की तरफ या 10 केजी की तरफ, सर वो फाइट करना पड़ेगा, 8 केजी की तरफ मूव करेगा या 10 केजी की तरफ, सर या 10 केजी की तरफ, सर बताओ मूवमेंट इधर होगा, 10 केजी खींच लेगा या 8 केजी खींचेगा, कौन खींचेगा, सर वो तो कॉस थीटा साइन थीटा, मेरी बात को समझिए, डायरेक्ट नहीं बता सकती इस डाटा में ठीक है, क्योंकि एक इंक्लाइंट पे रखा हुआ है, सुन लो मेरी बात, रस्सी इसको इधर पुल करेगा टी से और इसको इधर पुल करेगा टी से, सही है, सही है। अब सुनो मेरी बात, अगर इसका डायग्राम बनाए तो 10g साइन थीटा, mg साइन थीटा, साइन 37 डिग्री, नॉर्मल कहाँ ऊपर और इधर क्या, mg cos 37, सही है, बोलोगे, यानी 10g कॉस 37 डिग्री, सही है क्या, yes, और रस्सी इधर इसको पुल करेगा कितने से, टी से, ये पहले का फ्री बॉडी डायग्राम होगा, yes, दूसरे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो ध्यान देना, दूसरे वाले पर लगने वाले फोर्स टेंशन कहाँ, ऊपर और 8g कहाँ, नीचे, yes, सही है, yes, अच्छा इधर पुल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, 10g साइन 37, साइन 37 कितना, 3/5 यानी कितना जगह, 6g और ये कितना हुआ, 8g, तो इधर से 8g खींच रहा है, इधर से 6g खींच रहा है, कौन जीतेगा, 8g मतलब ब्लॉक इधर चलेगा, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि जो कम मास है उसके तरफ चल रहा है, हमेशा इधर का mg sin थीटा कंपोनेंट तोड़ लें और उसका कंपैरिजन इधर वाले से करें, समझ में आ रहा है, पुलिंग फोर्स कौन हो जाएगा, 8g और अपोजिंग कौन हो जाएगा, 6g, तो एक्सेलरेशन ओनली बता दो पहले, 8g माइनस क्या, 6g डिवाइडेड बाय नेट मास, नेट मास कितना, 18 g/9, ये तो ओरली बता पाए, क्या बता दिए, ओरली बता, सही है क्या, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, चलिए अब तरीके से आते हैं, पहले तरीका जानना जरूरी है, सही है, ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, ऊपर ना है, और ये कहाँ आएगा, नीचे, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना चुका हूँ और दोनों का इक्वेशन लिखवा दीजिए, इसके लिए क्या लिखोगे, 8g - t इज इक्वल टू क्या, 8a, अच्छा इसके लिए इक्वेशन लिखवा दीजिए, t माइनस क्या 6g, ये तो अलोंग द इंक्लाइन चलेगा ना यार, तो क्या ये दोनों फोर्स का कोई काम होगा, क्यों ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फोर्स कभी भी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, है ना, मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स होंगे वो कभी भी उसके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, मेरी बात समझ में आ रही है, बोलोगे, yes, सही है, तो दो इक्वेशन लिख लिया, क्या क्या लिखा इक्वेशन, टी माइनस 6g इक्वल टू क्या लिखूंगा, इसका मास कितना है, 10 ना यार, 3g इक्वल टू क्या, 10 है,
सही है क्या? हाँ। दो इक्वेशन कितने वेरिएबल? दो। दो वेरिएबल, इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे, सही है। दोनों इक्वेशन क्या करता हूँ? ऐड, यानी फर्स्ट प्लस क्या सेकंड। समझ आ रही बात? चीजों को समझिए, सही है। तो 8g माइनस 6g क्या जाएगा? 2g। और इधर क्या 18 है, तो ये की वैल्यू क्या 2g बाई 18, यानी क्या g बाई 9। ये मिल गया, मिला ना? हाँ। आपको लग रहा होगा ये तो ऐसे ही फाइंड कर लिए थे, नहीं, ये लिखना जरूरी है, पहले सीखो। yes, सही है। अब टेंशन, टेंशन क्या आ जाएगा? t माइनस 6g इक्वल टू 10 है, इक्वेशन सेकंड से चलाऊं, सही है। तो t माइनस 6g 10g बाय, ये कितना आ जाएगा? 10g बाय क्या 9, सही है क्या? तो t की वैल्यू कितना? 10g बाय 9 प्लस क्या 6g, ये कितना आ जाएगा 54, 64g बाय क्या 9। ये क्या आ गया आपका? टेंशन। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? देख लो भैया, कोई तकलीफ है किसी को बताया जाए? समझ में आ रहा है ऐसे क्वेश्चन? पक्का ना है वर्चस्व बाबू? कोई समस्या? लिख लीजिए यहाँ तक, सही है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखना, अलोंग द इंक्लाइन ऐसे रहोगे तो एम जी साइन थीटा इधर देना, और ऐसे रहोगे तो एम जी साइन थीटा नीचे, मतलब नीचे की तरफ देना ना, अलोंग द इंक्लाइन, इंक्लाइन में नीचे की तरफ देना, ठीक है? कोई दिक्कत? मिटाओ, मिटा दीजिए, सही है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? पक्का ना? चलिए मिटा रहा हूँ। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक कोई तकलीफ? नो सर। परचेस बाबू? यस सर। गधा? नो सर। मैं गधा हूँ सर, मैं क्या हूँ? गधा हूँ। परचेस बोलता है ऐसा है? क्या बोलता है? लाइक मारूंगा। सही जवाब, सही यहाँ तक। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, सही है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, आराम आराम से चीज़ों को समझ रहे हो। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आता है, इक्वेशन लिखने आता है, और इक्वेशन सॉल्व करने आता है। तीन बातें। पहला बात, एफ वी डी बनाने आना चाहिए। दूसरी बात, इक्वेशन लिखने आना चाहिए। तीसरी बात, इक्वेशन को सॉल्व भी करने आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन कोई तकलीफ आपको नहीं जाएगी। चलो कुछ और ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ तो कोई समस्या? कभी भी ऐसा नहीं कि पुली के क्वेश्चन देखो दिमाग में डर पैदा हो जाए। पुली वाले क्वेश्चन अमूमन क्या होते हैं? आसान होते हैं, सही है। और कंस्ट्रेंट वाले भी, मतलब ज़्यादा तो बोलोगे तो टफ जो बनाया जाता है कंस्ट्रेंट लगाकर, लेकिन टफ होता नहीं है। लोग बोलते हैं टफ, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब चीज़ टफ होता नहीं है। आप देखोगे कंस्ट्रेंट स्टार्ट करूँगा तो, सही है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? पक्का ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। आपको टेंशन और एक्सेलरेशन ही देना है। क्या देना है? टेंशन और एक्सेलरेशन। मान लो कि इधर कोई ब्लॉक है, सही है। क्या है? ब्लॉक है ना? यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। और इधर लिख लेता हूँ कितना है ना, 15 केजी, कितना? 15 केजी। और इधर लिख लेता हूँ कितना, 30 है ना, 12 केजी। यस। या 10 केजी, कितना? 10 केजी, सही है। और ये एंगल कितना दे दिया? 53 डिग्री, सही है। आपको क्या बताना है? टेंशन और एक्सेलरेशन। क्या बताना है? टेंशन और क्या? एक्सेलरेशन। मेरी बात ध्यान से समझे, सही है, पक्का? चलिए, रस्सी कहाँ पुल करेगा? ऊपर है ना, और इसको कहाँ पुल करेगा? ऊपर, सही है। इस पे लगने वाले फोर्स ध्यान दो, मैं इधर बना रहा हूँ फ्री बॉडी, सुन लो, क्या जाएगा? 15g साइन 53 ना, सही है। इधर क्या? टेंशन। नॉर्मल कहाँ? ऊपर। नॉर्मल लगाए, कोई काम का नहीं तो भी लगाए, ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह में काम देगा ये। और इधर क्या? 15g cos 53। अगर नॉर्मल पूछा जाए तो नॉर्मल कितना जाएगा? नॉर्मल इसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल 15g cos 53। साइन 53 कितना होता है? 4/5। साइन 53 जिनको नहीं पता है वो लिख ले 4/5, और cos 53 3/5, सही है क्या? ये सब फिजिक्स में यूज में आएंगे। तो ये कितना? 4/5, 15g इंटू क्या? 4/5 कितना? 12g। ये कितना आ जाएगा? 12g। अच्छा, इधर इसका फ्री बॉडी बना दीजिए 10kg का, 10g नीचे, और टेंशन कहाँ? अब 10g और 12g की लड़ाई में कौन जीतेगा? तो मतलब ये इधर आना शुरू कर देगा, और ये कहाँ चढ़ना शुरू कर देगा? देख लो भैया, कोई समस्या? नो सर। दोनों इक्वेशन लिख कर बता दें। इसके लिए क्या लिखोगे इक्वेशन? ये कहाँ जा रहा है यार?
इधर ना, और ये कहाँ जा रहा है? ऊपर, क्या लिखोगे सर? 12g माइनस टेंशन इज इक्वल टू कितना? 15 है, m है ना? अच्छा, इसके लिए लिख के बता दो, t माइनस 10g इज इक्वल टू क्या? 10 है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, ओरली बता सकते थे ना एक्सेलरेशन, 12g माइनस 10g, 2g डिवाइडेड बाई नेट मास, 2g बाई 25 एक्सेलरेशन आ जाएगा, सही है क्या? अब दोनों इक्वेशन क्या कर देता हूँ, ऐड, दोनों क्या करता हूँ, क्या लिखोगे सर? फर्स्ट प्लस क्या सेकंड, तो टी से टी क्या जाएगा गायब, इधर 2g इज इक्वल टू क्या 25 है, देख लो भैया 2g इज इक्वल टू क्या गया 25 है, समझ आ रहा है? बरचास बोलते का नहीं हो, तो g की वैल्यू कितना जाएगा, g की वैल्यू कितना जाएगा, सॉरी a की वैल्यू, a की 25, 2g बाई क्या 25, समझ आ रहा है? ये a मिल गया आपको, क्या मिल गया a, अब इससे क्या फाइंड करेंगे, टेंशन, सही है? तो टेंशन क्या हो जाएगा भाई, सेकंड में पहले पुट अप कर देता हूँ, सेकंड या फर्स्ट कहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो t माइनस 10g ये जो कस्टू कितना भाई 10 है ना, तो 10 है मतलब क्या 10 इंटू क्या 2g भाई क्या 25, कैंसिल कर लो, कितना हो जाएगा 25 जा 4g बाई 5 है ना 54g बाई 5 आ जाएगा, सही है? यही क्या जाएगा टेंशन, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? ध्यान देना, जैसे मान लो कि ये मान लो 16 केजी का है, कितने केजी का है 16 केजी का है, सही है? इधर भी कुछ ऐसे लगाया हुआ है, सही है? और ये मान लिया जाए 14 केजी का है, ये कितने केजी का है 14 केजी का, एट एन एंगल आप क्या 37 डिग्री, कितने एंगल पे 37 डिग्री पे, समझ आ रहा है? क्या लिखोगे इक्वेशन, सुन लो, हाँ इसमें टेंशन और क्या बताना है एक्सेलरेशन, उसी टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं है? क्या लिखोगे सर, इधर क्या लगेगा 16g साइन 37, सही है? तो 16g इंटू 3/5 48g/5 क्या 5, सही है क्या? देख लो भैया कितना गया 48g/5, सही है? अब सुनो, रस्सी कहाँ खींचेगा इसको, ऊपर, इसको कहाँ खींचेगा ऊपर, सही है? यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, समझ में आ रहा है? अच्छा, नॉर्मल वगैरह तो लगा लोगे, नॉर्मल कहाँ लगेगा ऊपर, सही है? और इधर क्या लगेगा 16g, इसका कोई जरूरत अभी नहीं है, चलिए इस पर क्या आ जाएगा 14g कहाँ नीचे, सही है? अब ये 14g है और ये क्या है 48g/5 है, सही है? कौन बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा 14g बड़ा हो जाएगा ना, और इसको डिवाइड करो ना, डिवाइड 9.6 ऐसे कुछ आ रहा होगा, सही किया हो ना यार, हाँ ठीक है, तो ये नीचे आएगा ना और ये कहाँ जाएगा ऊपर, ऐसे, सही है? इक्वेशन लिख के बता दे, इक्वेशन लिख के बता दो, इसके लिए पहले लिख लो t minus 14g by 5 = 16 है, सही है क्या? इसके लिए लिख के बता दो 14g - t = 14 है, सही है? दो इक्वेशन कितने वेरिएबल, दो वेरिएबल, दोनों क्या कर लेता हूँ ऐड, ये सही क्या जाएगा गायब, सही है? ये दोनों को माइनस कर लो 14g - 48g/5 22g/5 आ जाएगा, सही है? अब इधर क्या जाएगा 30 है, सही है? कोई दिक्कत? अच्छा, ये 11 टू जा हो जाएगा और ये 15 टू जा हो जाएगा, तो ये की वैल्यू कितना आ जाएगा 11g/75, सही है क्या? ये किसकी वैल्यू आ गया एक्सेलरेशन की, समझ में आ रहा है? अब आपको टेंशन चाहिए, क्या चाहिए टेंशन, तो टेंशन क्या आ जाएगा, यहाँ रख रहा हूँ, यहाँ 16a, ये मतलब कितना 11g/75, सही है? प्लस क्या 48g/5, ये माने साहब उधर जाकर क्या जाएगा प्लस ना 48g/5 ना, एलसीएम क्या जाएगा 75, ऊपर हो जाएगा 176g और 5 × 15 कितना हो जाएगा भाई प्लस 720 ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लें, तो ये क्या जाएगा 896g/75, ये क्या जाएगा टेंशन, कैलकुलेशन चेक करें बाकी कॉन्सेप्ट पूरा क्या है, सही है? देख लो भैया कोई समस्या, क्लियर हो? यस सर, लिख लीजिए भैया यहाँ तक, बरचस बाबू, यस सर, समझ में आ रहा है? यस सर, ठीक है? यस सर, मिटा दूँ? यस हाँ सर, सही यहाँ तक? यस, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर।
कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए रुकना बे, भाग रहा है, भागता है आपसे डरता है सर। बर्चस का दोस्त होगा ने बर्चस, पबजी खेल रहे हो बर्चस? नो सर। कंप्यूटर पे? नो सर। क्यों नहीं खेलते हो, खेला करो सर। कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता हूँ। हैं, तुम यही करोगे रे ना लायक। तुम लिखे हो कल तक का? नो सर, परसों तक का। डेली लिख कल तो 10 पेज थे सर। इसको कितना बार मैं समझाया हूँ डेली लिख कराना है, बहुत बार समझा चुका हूँ ना ये बात। यस सर, कल 10 पेज थे, उनमें से 3 पेज लिख डाला। आज तुम 3:30 के बाद मेरे पास आओगे? यस सर। तुम बैठवा के लिखवाता हूँ आज पूरा, ऐसे नहीं अब सुधरोगे। हाँ भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, देख लो भैया यहाँ तो कोई समस्या? नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? यस सर। हाँ, ये क्या मास है? M1 और ये क्या है? M2 सही है? यस। ये M1 है, क्या है? M2 है। ये एंगल क्या है? थीटा। थीटा। आपको एक्सेलरेशन बताना और क्या? टेंशन। गिवन क्या है? थीटा लेस देन क्या? साइन इनवर्स M1 बाई M2। ये क्यों गिवन है सर? तो इससे पता लगा पाएंगे मोशन किधर हो रहा है। हाँ सर। सही है क्या? हाँ। पहले साइन इनवर्स को इधर ले आओ तो क्या जाएगा? साइन थीटा लेस देन M1 बाई M2 है ना, सही है? हाँ सर। सर अब अच्छा ऐसे कर लो, ऐसे M2 बाई M1, ठीक है? M2 बाई M1 सही है। यहाँ 2 और यहाँ क्या? 1 सही है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी M1 क्या? साइन थीटा। M1 साइन थीटा लेस देन क्या? M2। G का मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, यानी M1 G साइन थीटा लेस देन क्या? M2 G। सही है, मतलब नीचे जाएगा। हाँ, M2 नीचे जाएगा। अब ध्यान देना, तो लगने वाले फोर्स ध्यान दो भैया, पहले वाले पे सुन लो, इधर वाले पे, इधर वाले पे क्या क्या लगेगा? इधर लगेगा M1 G साइन थीटा, सही है? रस्सी का टेंशन ऐसे है ना, और ये रस्सी का टेंशन ऐसे, सही है? yes, टेंशन यहाँ पे ऐसे, सही है? नॉर्मल कहाँ? ऊपर, सही है? yes, और MG साइन थीटा, M1G कॉस थीटा ऐसे, yes, सही है? yes, पक्का ना? yes, अच्छा, दूसरे वाले का फ्री बॉडी बनाओ तो, सेकंड वाले का, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? टेंशन ऊपर, M2G नीचे। अब M2G और M1G साइन थीटा में कौन बड़ा है? M2G तो ये बड़ा है तो खींच लेगा नीचे की तरफ ऐसे, तो ये कहाँ चढ़ेगा? ऊपर, सही है? यानी ये ऐसे चढ़ रहा है अलोंग द इंक्लाइन ऊपर में, और ये कहाँ रहा है? नीचे। दोनों के लिए इक्वेशन लिख के बता दीजिए, टी माइनस M1G साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? M1 है, सही है क्या? उसके लिए लिख कर बताओ, M2G टी इज इक्वल टू क्या? M2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, फर्स्ट प्लस क्या? सेकेंड। टी से टी क्या गायब, जी दोनों में कॉमन आएगा, क्या बचेगा? M2 माइनस क्या? M1 साइन थीटा इज इक्वल टू, ए कॉमन ले लो, कितना बचेगा? M1 प्लस क्या? M2, सही है क्या? तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा? G इंटू, सही है? या M2 माइनस क्या? M1 साइन थीटा बाहर में, G डिवाइडेड बाई क्या? M1 प्लस क्या? M2। कोई दिक्कत नहीं बोलते यार, कोई दिक्कत बता दो यार, सही है? पक्का ना है? बर्चस बाबू नालायक। हाँ, ये इंक्लाइंड है, ये क्या है? इंक्लाइंड है, सही है? और ये मास मान लो कितना है? ये मास है 10 kg, कितना है मास? 10 kg, सही है? और इधर मास लगा हुआ है 8 kg, इधर क्या लगा हुआ है? 8 kg, ठीक है? भूल गए? यस सर। ये 8 kg है, ठीक है? अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे एक और पुली लगा हुआ है ऐसे, ठीक है? समझ आ रहा है? सारे पुली मासलेस हैं, सारे पुली क्या हैं? मासलेस।
और उसको खींच रहे हैं। और ये 6 केजी का है, ये कितने केजी का है? 6 केजी का है, सही है? यस। अच्छा एक मिनट, इसको 4 केजी लिख लो ना। 6 केजी वाले का क्या फायदा? ये कितने का है? 4 केजी का, ठीक है? हां सही है। यस समझ आ रहा है? यस। और ये एंगल कितना है? 37 डिग्री। 37 डिग्री, ठीक है? ठीक है सर। कोई दिक्कत? नो सर। पक्का ना? पक्का सर। चलेगा किधर? चलेगा इधर, इधर चलेगा तभी पॉसिबल हो पाएगा क्वेश्चन, इधर चलने पे नहीं होगा, क्योंकि इधर चलेगा तो रस्सी क्या कर लेगा, लूज कर लेगा, और फिर इधर से रस्सी खींचने वाला कोई नहीं मिलेगा। ठीक है? यस सर। मेरी बात समझ आ रही है? पक्का ना? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सही है तक? क्योंकि इधर नीचे आएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि टेंशन इस पे, देखो इस पे टेंशन कहाँ पड़ रहा है? इधर है ना, इसको चलाने वाला इधर कौन मिलेगा भाई? कोई नहीं। तो अगर मान लीजिए ये फोर्स ज्यादा हो जाए, डोमिनेट हो जाए, तो ये आके यहाँ पे क्या जाएगा? रुक जाएगा। सही है? कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे एक रस्सी है, यहाँ पे टेंशन क्या? T1। और यहाँ पे भी टेंशन क्या? T1। ये दोनों भी एक ही रस्सी है, T2। और यहाँ पे क्या? T2। इसको इधर खींचेगा ना, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। आपको क्या बताना है? टेंशन और क्या बताना है? एक्सेलरेशन। टेंशन बताना है और क्या बताना है? एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसका कंपोनेंट इधर क्या जाएगा? 10g साइन 37। साइन 37 कितना? 3/5 यानी 6g आ जाएगा। हां यस सर। पक्का ना? पक्का सर। तो 6g इधर से क्या हो गया? पुलिंग फोर्स। अपोजिंग कितना हो गया? 4g। अरे भाई, हाँ सर 4g। जैसे इक्वेशन लिख के बताओ पहले वाले के लिए, ये इधर नीचे आएगा ना यार, और ये सब कहाँ जाएंगे? ऊपर। सही है? तो पहले वाले के लिए लिख के बताओ, 6g माइनस क्या? T1 इज इक्वल टू क्या? 10। सही है? यस। अच्छा और दूसरे वाले के लिए, इसके लिए इक्वेशन लिख के बताओ। T1 ऊपर है, T1 और इसका mg नीचे लगेगा 4g, और माइनस क्या? T2 इज इक्वल टू कितना? 4a। इक्वेशन नंबर सेकंड, सही है क्या? कोई दिक्कत? No, इसके लिए लिख के बताइए, इसको तो सिर्फ T2 चलाएगा। T2 इज इक्वल क्या? 6 है। इक्वेशन नंबर क्या? थर्ड। तीनों को ऐड कर लो सर, T2 को पुट कर देते हैं। सही है, और तीनों को ऐड कर दो ना, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस क्या? थर्ड। अगर तीनों को ऐड करो, T2 से T2 गायब, T1 से T1 गायब, 6G माइनस क्या? 4G। टेंशन का टर्म कैंसिल ही हो जा रहे हैं, है ना? तो कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 2G। 20 है, तो ये की वैल्यू कितना? G/10। ये की वैल्यू कितना? G/10। और T2 यहाँ पे रख दो, यहाँ पे ए रख दो, तो ये कितना जाएगा? 6G/10 आ जाएगा ना यार। तो T2 आ जाएगा 6G/10। समझ में आ रहा है? yes, सही है। और ऊपर रख लीजिए, क्या मिल जाएगा? T1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? T1। आप इसमें भी एक्सेलरेशन ओरली बता सकते थे, कैसे सर? 6G इधर पुलिंग फोर्स, अपोजिंग क्या रहेगा इसका? 4G। तो 6G माइनस 4G क्या? 2G। और नेट मास कितना? 20 किलो है ना, 2G/20। सही है क्या? बोलोगे? लिख लो भैया, यहाँ तक लिखो। समझ में आ रहा है? हर जगह नहीं, ऐसे सिंगल पुली में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? ये अभी सिंगल पुली का चल रहा है क्वेश्चन है सब। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो दो पुली हुई ना सर। अरे अभी तो सिंगल है, मतलब इधर से एक साइड से और मैं बताऊंगा वो अलग कब होता है, ठीक है? सर एक काम, इसमें 6 केजी के आगे एक और सिंगल लगा के एक और पुली से नीचे टांग देते हैं। अभी तो बहुत पुलियाँ टंगेंगी, पुलियाँ तो इतनी टंगेंगी कि हिम्मत, हौसला है ना, हार जाएगा तुम लोग का। सही है? वो तो आसान क्वेश्चन है यार, बंदर वाला, वो फालतू क्वेश्चन, वो सब फालतू क्वेश्चन। पुली तो अभी इतने टांगे जाएंगे कि हो छोड़ जाएंगे, ठीक है? अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, जो नीट शीट में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पुलियाँ तो इतनी टांगी जाएंगी कि या तो पुली से खौफ खत्म हो जाएगा, नहीं तो फिर भरोसा उठ जाएगा, ठीक है? खौफ तो, भरोसा तो नहीं उठने दूंगा, ठीक है? इतना चिंता है, समझ में आ रहा है? चलिए अगर दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के खींच रहे हैं तो दोनों के हाथ पे टेंशन लगता है। हाँ लगेगा, तभी तो दूसरा कहे, दूसरा नाम नहीं रहता है, उसका कुछ दूसरा नाम नहीं रहेगा। नाम फोर्स का कुछ भी नाम दे दो, नाम देने से क्या हो गया? जैसे अरे तुम मेरा हाथ खींचो, खींचो आओ इधर खींचो, बताते तुम खींचो मेरा हाथ। यस सर। खींचो T1 T2 तो पूरा खींच रहा है। तो देखो मैं तुमको खींच रहा हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर टेंशन कहाँ लगा रहा हूँ? मैं अपने साइड, और तुम मेरे ऊपर कहाँ लगा रहे हो? ऐसा बुद्धि चलाया करो, ठीक है? हर बार टीचर नहीं बताएगा। नहीं, मैं बोल रहा था कि नाम उसका टेंशन ही रहेगा। किसका बोल रहा था? और क्या है उस फोर्स का? आप टेंशन ही बोल सकते हो, और क्या बोलोगे?
ठीक है, टेंशन आर। यहाँ तक कोई समस्या? टेंशन इन आर्म्स, ठीक है भाई, ठीक है। वर्चस्व कभी गलत थोड़ी बोल सकता है, और ना वर्चस्व कभी गलत नहीं बोल सकता। मैं ये 10 केजी सही है, और इधर कितना 5 केजी सही है। ऐसे ट्रेंड तो आपको पता ही है, पता है सर, है ना। यहाँ मान लो कितना 4 केजी, और यहाँ मान लो कितना 7 केजी सही है। और ये एंगल क्या 37 डिग्री, कितना है 37 डिग्री। तो आपको टेंशन क्या बताना है, एक्सेलरेशन। क्या ये बताओ, पहली बात, क्या ये दोनों को एक सिस्टम मान सकते हैं? अगर नीचे आएंगे तो एक साथ आएंगे, ऊपर जाएंगे तो एक साथ आएंगे, क्या ये दोनों को सिस्टम मान सकता हूँ? हाँ सही है। क्या 4 केजी और 10 केजी को सिस्टम मान सकता हूँ? नहीं ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस कहानी को कुछ ऐसा रिप्लेस किया जाए इस पिक्चर से। सर यहाँ पे मास कितना हो जाएगा 15 केजी, और ये रस्सी गायब। यहाँ पे टेंशन मान लो, यहाँ पे क्या है T1 सही है, यहाँ भी क्या T1, यहाँ पे क्या T2, ये भी T2 ठीक है सही है। अच्छा ये रस्सी इसको कहाँ खींचेगा, नीचे, तो यहाँ पे क्या T3 सही है क्या? बोलोगे पक्का ना? तो यहाँ पे टेंशन क्या रहेगा T2 सही है। ये मतलब दोनों को मिला दिया, रस्सी हट गया, तो ये कितना किलो का हो जाएगा 15 केजी का। कितना किलो का हो जाएगा ये 15 केजी का। इधर आ जाइए, इधर ये कितना हो जाएगा 11 केजी पक्का है। इस पे लगने वाले फोर्स इधर क्या जाएगा 15g साइन 37। साइन 37 कितना 3/5, मतलब क्या 12g कि 9g 3/9g आएगा, 9g अगर का था कितना जाएगा 9g सही है। नॉर्मल ऊपर और 15g cos 37 इधर, ये कोई काम के नहीं होते हैं लेकिन ये फ्रिक्शन में काम देगा ऐसा सही है। चलिए इसके ऊपर 11g कहाँ नीचे, और T2 कहाँ ऊपर। एक्सेलरेशन मॉडल बता दो, इलेवन जी माइनस 9g 2g बाई 26, 2g बाई 26, 2g बाई क्या 26 सही है क्या? अच्छा ध्यान देना, यहाँ तो कोई समस्या है ना। एक्सेलरेशन पहले ओरली बता लिया करो, उसके बाद इक्वेशन वगैरह लिखा करो ठीक है। तो ये जीत गया ना यार, तो ये नीचे लेके जाएगा, और ये कहाँ लेके जाएगा ऐसे सही है क्या? तो लिखवा दो, इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, 11g माइनस T2, 11g माइनस क्या T2 इज इक्वल टू क्या 11 है, इसके लिए लिखवा दीजिए T2 माइनस 9g, T2 माइनस क्या 9g इज इक्वल टू कितना 15 है सही है क्या? कोई दिक्कत यहाँ तक? सेकंड इक्वेशन दोनों क्या करते हैं ऐड कर सही है क्या? ऐड कर देंगे तो T2 क्या हो जाएगा, इधर 2g इज इक्वल टू क्या जाएगा 26 है, आया ना वही। तो ये की वैल्यू कितना 2g बाई 26 यानी क्या जी बाई टू, ये ए मिल गया क्या मिला ए। अच्छा अब अपने को T2 यहाँ रख के T2 फाइंड कर लेते हैं, 22 सेकंड चलूंगा तो T2 की वैल्यू 15 है, मतलब इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर लो तो 15g बाई क्या 13 और प्लस क्या 9g सही है। 13 9 जा 117 होता है प्लस कितना 15, तो 132g बाई क्या 13 सही है यार। देखो ना यार ये T2 मिल गया, T1 के लिए क्या करोगे, इसका डायग्राम बनाते हैं, किसका किसका 5kg का, 5kg का डायग्राम बनाओगे ध्यान दो, तो इधर क्या लगेगा 5g 37 5g साइन 37, और इधर क्या, इधर क्या T1। नॉर्मल वगैरह देने की जरूरत है नहीं, दे सकते हो आप, आपको इच्छा करे तो ठीक है, है ना। कहाँ आ रहा है, ऊपर या नीचे, ऊपर चढ़ रहा है ना यार सही है। तो क्या लिखोगे सर, T1 माइनस 5g ये कितना 3g आ रहा है, तो T1 माइनस क्या 3g इज इक्वल टू क्या कितने किलो का है 5 किलो का है, इज इक्वल टू क्या 5a सही है। तो T1 की वैल्यू 5a, ये कितना यार 5g बाई 13 हो जाएगा है ना, प्लस क्या 3g, तो ये हो जाएगा 39g प्लस 5 44g बाई क्या 13। ये T1 मिल गया है, नहीं बोलते यार, T1 मिल गया, T2 मिल गया। अब T3 के लिए इसका डायग्राम बना लेते हैं, 7kg का अकेले है ना, 7kg का बनाओगे 7g नीचे और T3 कहाँ ऊपर, कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, है ना। क्या लिखोगे, 7g माइनस T3 जो कस्टू क्या 7a, T3 को उधर लेकर जाइए, 7g को इधर ही रखिए, माइनस 7a, ये कितना है भाई जी बाई 13 क्या T3, तो इम्प्लाइज T3 की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई
थर्टीन सेवन जा 91 माइनस सेवन क्या 84 जी भाई क्या 13 सही का देख लो भैया 91 माइनस सेवन सही है क्या सही है पक्का लिख लो भाई लिख लो कोई समस्या किसी को तो ऐसे 5 6 8 10 भी मार्क्स दे रहेंगे तो हैंडल हो जाएगा क्या हां है हो जाएगा नहीं बोलते यार हो जाएगा घर पे जाइए डेली सारे क्वेश्चन को बनाइए समझ आया कि नहीं आया हैं आ गया सर ये नालायक तो पढ़ता ही नहीं है गधा तुम्हारा ना कॉपी कंप्लीट अब नहीं रहा ना तुम ये करवाया करो यार इसका काम पे चेक करने के लिए है ना बाकी का भी चेक होगा कौन सा गलत फॉर्म जी रहे हो बाकी का नहीं चेक करूंगा आगे बताओ पर आपको ये T3 equals to 84 जी बाय 13 तक पूरा दिखा नहीं ये आज के लेक्चर पूरा अच्छा आज का पूरा हाँ यस सर आज का पूरा दिखा दूंगा सही यहाँ तक यस सर कैसा लग रहा है NLM पढ़ने में काइनेमेटिक्स से ज्यादा मजा आ रहा है काइनेमेटिक्स में ज्यादा मजा आता है प्रोजेक्टाइल मोशन में ज्यादा मजा आता है प्रोजेक्टाइल में ज्यादा मजा आता था इधर से फेंके उधर से पकड़े अच्छा पकड़ते भी हो फेंकते भी हो लिफ्ट वाला क्वेश्चन इसमें भी आएगा ना यार NLM में हाँ ठीक है यहाँ तक चिड़िया उड़ के उस खंबे पे चली गई थी फिर से लेकिन पड़ी गया चिड़िया हाँ भैया सही यहाँ तक चलिए चलो बड़े भाई लोग हे मान लो आप दोनों तरफ इंक्लाइन कर दिया हूँ yes, दोनों तरफ क्या कर दिया हूँ इंक्लाइन समझ आ रहा है yes, ये मान लो 10 केजी है ये कितना है 10 केजी इधर है 15 केजी इधर क्या है 15 किलो ठीक है yes, sir. और ये एंगल 37 डिग्री ये कितना और ये एंगल 53 डिग्री yes, सही है आपको क्या बताना है टेंशन और क्या एक्सेलरेशन टेंशन और क्या बताना है डरेंगे नहीं डर के आगे जीत है बहादुर बच्चे हो समझ में आया क्या हो बहादुर बच्चे समझ में आया जो डर गया वो मर गया क्लियर हो अच्छा ध्यान देंगे भैया है ना ये टी ऊपर इधर भी टी इधर सही है क्या है अगर पहले वाले के बारे में सोचू 10 केजी के बारे में सही है तो टेंशन इधर और 10G साइन 37 इधर ना साइन 37 मतलब क्या 3/5 कितना 6G आ जाएगा सही है नॉर्मल ऊपर कोई काम का नॉर्मल तो है नहीं N1 ठीक है लेकिन ये सीखे फ्रिक्शन में काम देगा नॉर्मल ठीक है मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ नॉर्मल कहाँ काम देगा फ्रिक्शन में अच्छा इसके बारे में सोचूँ तो इसके बारे में ध्यान देना ये कितना है इधर क्या जाएगा 15G साइन 53 ना यार 15G क्या साइन 53 साइन 53 कितना 4/5 यानी ये कितना जाएगा 12G कितना जाएगा 12G और रस्सी इधर खींच रहा है टी से सही है नॉर्मल N2 ऐसे पड़ेगा सही है क्या और इधर क्या पड़ेगा 15G कॉस 53 सही है अब ये 12G और 6G की लड़ाई में कौन जीतेगा 12G तो यानी ये कहाँ चढ़ेगा ऊपर और ये कहाँ आएगा सही है क्या यही इस हिसाब से एक्सेलरेशन होगा सही है क्या बोलोगे तो ये कहाँ चढ़ रहा है भाई ऊपर सही है और ये कहाँ आ रहा है ऐसे नीचे सही है क्या बोलोगे ये टेंशन क्या है टी है सही है अभी क्वेश्चन लिख सकते हो क्या लिख सकते हैं क्या लिखोगे टेंशन माइनस पहले वाले के लिए 6G टेन एम है ना इसके लिए लिख के बता दीजिए 12G इनका सूत्र क्या 15 है गधा नसड़ी सस्ता का नस्ता करता है दोनों को ऐड करो 12G माइनस 6G 6G और इधर क्या जाएगा 25 तो ये की वैल्यू कितना 6G भाई क्या 25 सही क्या ये की वैल्यू कितना 6G भाई क्या 20 अब टेंशन की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ रख रहा हो वैल्यू 10A मतलब क्या 60G बाई 25 60G बाई क्या 25 प्लस क्या 6G तो इसको कैंसिल कर लो 12G बाई कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा अब 5 यहाँ इनटू होगा 30 और ये 12 था 42G बाई क्या 5 42G बाई 5 देख लो भैया ये टेंशन मिल गया अरे समझ में आ रहा है पक्का ना क्या मिल गया ये टेंशन मिल गया है ना दिमाग में टेंशन हो रहा है बरचास बरचास बाबा एससी वर्मा के किताब में एक क्वेश्चन है इस टाइप का सही है बाबा बोलते हैं बाबा क्या करते हैं बोलते हैं ये 8 केजी का है और ये 10 केजी का है सही है yes, बाबा क्या बोलते हैं
गलत बोलते हैं है ना, ये लेंथ 3 है और ये लेंथ कितना है 4 और ये लेंथ कितना है 5 सही है वो 50 से डिग्री सही है। टेंशन और क्या बताना है एक्सेलरेशन। ये लेंथ 3 4 5 है मतलब ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, कैसे पता लग गया राइट एंगल है? पाइथागोरस को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है सही है क्या? राइट एंगल कौन होगा बड़े वाले साइड के सामने का, तो ये 90 सही है 53। तो इसको बोल दे रहा हूं क्या थीटा, ऐसे क्या बोल दे रहा हूं 5 सही है। अब आपको पता होगा sin थीटा तो हर जगह पे काम में आता है, तो sin थीटा का वैल्यू पहले फाइंड कर लो। sin थीटा p/h ना यार, 4/5 थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और बड़ा वाला साइड हाइपोटेन्यूस, ऐसे sin 5 भी फाइंड कर लो। sin 5 3/5 आ जाएगा, इसके सामने का साइड क्या है 3 तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस क्या 5, ये सब काम में आएंगे ठीक है। अब देखो डायग्राम बना रहा हूं भैया, देखो इधर इधर क्या लगेगा यार, tan g tan g sin 5 ना सही है क्या? sin 5 कितना 3/5 है ना, तो 3/5 रखो तो कितना जाएगा 6 जी आ जाएगा। रस्सी इधर पुल किया, इसको इसको ऐसे पुल किया ठीक है, इधर टेंशन लगा सही है क्या? यस सर। बोलोगे यार? यस सर। अच्छा सही है यहाँ तक। अच्छा 8 किलो वाले पे आ जाओ है ना, किस पे आ जाओ 8 केजी पे है ना। इधर क्या लगेगा यार, इधर लगेगा 8g sin थीटा, sin थीटा कितना 4/5 तो 32g बाय क्या 5, ये 6 से बड़ा वैल्यू है देख लो, 6 से बड़ा वैल्यू है, 6 पॉइंट समथिंग आएगा सही है। बोलोगे? और टेंशन इधर नॉर्मल वगैरह देना चाहते हो दे दो, n1 यहाँ पे और इधर क्या 8g cos थीटा सही है, यहाँ पे नॉर्मल देना चाहते हो दे लो, नॉर्मल काम आएगा फ्रिक्शन में n2 और इधर क्या 10g cos थीटा 10g क्या ओवरऑल मूवमेंट कहाँ होगा, इस तरफ ना हैं? भूल गए? तो ये कहाँ चढ़ेगा, ऊपर सही है क्या? दोनों के लिए क्वेश्चन लिख के बता सकते हो, लिख के बता दो पहले वाले के लिए 32g/5 - t = पहले इसके लिए लिख के बताओ, इसके लिए t - 6g क्या 6g = कितना 10a सही है। चल ना बे 10 है सही है क्या? ठीक है रिफ्यूजी मार अरे पुल तल नीचे चल भागता है ना, यहाँ तो कोई समस्या पक्का ना देख लो भैया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ भाग गया यार सर, वो नीचे पड़ा, नीचे गिर गया वो, डरपोक आदमी सही यहाँ तक देख ले भैया, हाँ यहाँ तक देख लें बरचस बाबू, यहाँ तक देख लें सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को ठीक। चलो अब देखो, अभी क्वेश्चन लिख के बता सकते हो? हाँ टी माइनस क्या लिख दिया है ना, अब उसके लिए लिख के बता दो 32/5 - t = 8a ना, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सही है, दोनों क्या कर देंगे ऐड, तो 32g/5 - 6g ये दोनों को माइनस कर लो तो 2g/5 आ जाएगा, कितना जाएगा 2g/5 क्या 18 है सही है, 9 से कैंसिल सही है, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा, a की वैल्यू कितना आ जाएगा यार g/45 ना यार, 9 डिवाइड होगा ना g/ क्या 135 सही है क्या, ये क्या आ गया a आ गया, 15 नहीं वो 5 है सॉरी, तो ये हो जाएगा 45 आ जाएगा, ये क्या मिल गया a मिल गया। अब क्या फाइंड कर लो, टेंशन क्या फाइंड कर लो, तो यहाँ रख देता हूँ t माइनस है ना t = 10a यानी 10 × g/45 यानी 2g/9 आ जाएगा है ना, कट कूट कर ठीक है 2g/9 और प्लस 6g प्लस क्या 6g कितना रहा है 54 और प्लस 2 56 9 देख लो भैया ये क्या आ गया, क्या गया क्या गया, टेंशन आ गया सही है क्या, लिख लो भाई लिखो, लिख लिए कोई समस्या यहाँ तक पक्का बात समझ में आ रही है कि झूठ बोल रहे हो? सुबह सुबह मिला था कोई और मेरे अलावे है, मेरे अलावे कोई और नहीं मिला क्यों सर, एक बार क्यों ढूंढना है बेवकूफ बनाने के लिए, नहीं बर्चस को तो बनाना रहता है ना, बर्चस को सोते मम्मी को बेवकूफ बनाता हूँ, मम्मी पेट दर्द कर रहा है आज क्लास अटेंड नहीं करूंगा, इसकी मम्मी डंडा निकालती है उधर से, रुक तो रे
है तो बोलते हैं। अच्छा कभी ऐसा नहीं बोले बच्चा मम्मी को, मम्मी मम्मी पेट दर्द करा स्कूल नहीं जाएंगे? नो सर, मम्मी उधर जबरदस्ती खुद छोड़ के आती है। खुद छोड़ के आती है? वो जानती होगी ऑटो से शुरू में जल्दी उतर के कहीं चल दूंगा, तो छोड़ के आती। वो जानती होगी मेरा बेटा शैतान है, ये झूठ बोल रहा है, कंफर्म झूठ बोल रहा होगा। तुम जैसे कोई बात बर्चस बोलते हो तुम्हारी मम्मी भरोसा कर लेती है तुरंत? यस सर, है मैं झूठ नहीं बोलता। मैं हनुमान जी का भक्त, नौवीं से पढ़ रहा है मेरे पास, वो बोलता है मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। हैं, मैं इसको नहीं जानूंगा तो किसको जानूंगा बताओ। सही यहाँ तक? यस सर। अनुराग सर ये सब पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे? यस सर। टीणा वाला एम जी साइन थीटा वाला नालायक। यस सर। चलो भाई चले, कहाँ चले? अमरकंटक। मारू अरे बेड़ो। ये मान लो क्या है, 26 केजी है, कितना है? 26 केजी सही है। और इधर मान लो कितना है भाई? 39 केजी है ना? यस सर। 26 किलो और क्या 39 किलो सही है? यस सर। अच्छा ये मान लो क्या है, ये थोड़ा वो नहीं हो गया, मुझे थोड़ा कुछ दिखाना था। क्या नहीं, डायग्राम को थोड़ा सा हटाने दो इसको ना। हाँ। नहीं नंबर तो अजीब सा लेंगे, इसलिए अजीब सा नंबर लिए इसी के लिए तो ऐसा कर रहा हूँ, डायग्राम को मिटा रहा हूँ। सही है? यस सर। बर्चास? यस सर। नालायक हो? नो सर। तो 30 डिग्री ले लीजिएगा। ये 39 केजी और ये क्या 26 केजी। ये साइड 5 है, ये साइड 12 और ये साइड 13 सही है? यस सर। हाँ क्या करूँ बताओ सर? पहले तो साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लेते हैं। क्या कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल। ये बात कैसे पता लग गया? है पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है। हाँ तो इसके सामने वाला एंगल क्या आ जाएगा? 90। तो इसको क्या बोल रहा हूँ, थीटा, इसको 5 सही है? है चलिए। साइन थीटा क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। और साइन फाइव क्या आ जाएगा? 5/13 सही है क्या? बोलो गए? हाँ। रस्सी का पुल कहाँ पे होगा इसमें? रस्सी का पुल ऐसे, रस्सी का पुल ऐसे सही है क्या? बोलोगे? अरे यार बोलते गए नहीं। इधर क्या लगेगा? फोर्स 26g साइन थीटा सही क्या? साइन थीटा कितना? 12/13 24g तो कितना आ जाएगा? 24g साइन थीटा का वैल्यू रख दूंगा तो सही है। अच्छा इसके ऊपर इधर क्या लगेगा? 39g साइन 5 सही है क्या? साइन 5 की वैल्यू कितना? 5/13 तो 15g आ जाएगा। कौन जीता लड़ाई में? 24g उधर वाला जीत गया। yes, जो हल्का साइड वाला था वो। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इधर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा और ये कहाँ चढ़ेगा? ऊपर की तरफ सही है क्या? yes, लिखवा दो इक्वेशन फटाफट। yes, यहाँ लिखवाओ पहले t-15g क्या 39 है। दूसरे के लिए लिखवा दो 24g इधर ना, माइनस टी ये जो कष्ट क्या 26 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, यानी फर्स्ट प्लस क्या सेकंड है ना, तो क्या आ जाएगा यार 9g 65a सही है क्या? सही है। ए की वैल्यू कितना? 9g भाई क्या 65 सही है। ए मिल गया। टेंशन चाहिए अपने को, क्या चाहिए? तो टेंशन की वैल्यू 39a 39 यानी क्या 39 इंटू क्या 9g भाई क्या 65 फर्स्ट में रख रहा हूँ यहाँ पे। अब प्लस 15g ना यार, है yes, क्या हो गया? ऐसे क्या घूर के देख रहे हो? सही कह रहा हूँ ना? तो 13 3 जा और 13 5 जा सही है। 15 5 जा 75 और प्लस 27 102
जी भाई क्या 27 कैसे 99 इनटू 3 ना 9 इनटू 3 अच्छा 9 जी इस हे आंसर आपको ज्यादातर जी के फॉर्म में ही मिलेंगे सही है यस सर कोई दिक्कत अच्छा मान लो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता तो भी क्या दिक्कत है मान ले चले क्वेश्चन में पूछ दिया ऐसे नहीं पूछे जाएंगे फिजिक्स में मान लो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं इसको इस एक को 4 देता है एक को 5 पे एक को 6 4 5 6 साइन फार्मूला लगाते हैं तब कोसाइन फार्मूला लगाना पड़ता है एंगल फाइंड आउट करने के लिए कोसाइन फार्मूला बताया ना cos थीटा इज इक्वल क्या आजू-बाजू वाले का स्क्वायर है हां यस सर अरे यार मान लो कि ये थीटा है और ये x है y है z है तो cos थीटा इज इक्वल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy तो cos थीटा मिलता वहां से क्या फाइंड करते sin थीटा फिर यस सर समझ आ रहा है डिफिकल्ट हो जाता बहुत है ना लेकिन नहीं मिलेंगे आपको मतलब वो ऐसा देना मतलब आपसे मैथ जानना चाह रहा है बस मैथ लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे सही है मुझे कोई समस्या नहीं मैं लिख भी सकता हूं है ना बस आपके प्राण ना सूखने स्टार्ट हो जाए इसलिए थोड़ा सा क्या है मैं सतर्कता अपना बरत रहा हूं ठीक है दिस एंगल इज 30 डिग्री ये एंगल कितना है एंगल 30 डिग्री और ये पुली है ये क्या है पुली है सही है क्या बरचास यस सर दिस एंगल इज 60 डिग्री ये क्या है 60 डिग्री अगेन राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना यस सर और ये मान लो कितना है 12 केजी है ये क्या है 12 केजी और ये मान लो कितना है 16 केजी है सही है क्या यस टेंशन बताना है क्या बताना है एक्सेलरेशन सही है क्या yes, टेंशन बताना है क्या बताना है एक्सेलरेशन बात समझ में आ रही है अब ध्यान देना भैया इधर क्या लगेगा इधर लगेगा 12g sin कितना 60 डिग्री sin 60 कितना √3/2 यानी 6√3g सही है यस बोलोगे अच्छा इधर क्या लगेगा रे 16 की ये कितना था यार 24g था कितना 24 था ना ठीक हां भैया 16g sin 30 इधर क्या लगेगा 16g sin 30 इधर 8g sin 30 सही है क्या बोलोगे यस सर है देखो सर क्लियर हो यस सर अच्छा अब ध्यान देना ये कितना जाएगा 8g कौन जीतेगा लड़ाई में 6√3g 6√3 रूट में कितना आता है 1.7 अरे ऐसा कंप्लीट रूट के अंदर में अच्छा ये इसका रूट 30 इसका स्क्वायर 36 हो जाएगा 3108 और ये रूट में कितना आएगा 64 वो बड़ा होगा या √3 की वैल्यू रख के चेक कर लो सही है क्या यस सर तो ये बड़ा हो जाएगा मतलब इधर मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा हां सही है यस सर अच्छा रस्सी कहां पुल करेगा इसको ऊपर इसको भी कहां ऊपर सही है हां लिखवा दीजिए इक्वेशन इसके लिए पहले t 8g इज इक्वल टू क्या 16 है यस सर सही है दूसरे वाले के लिए लिखवा दो जल्दी 6√3g -t इज इक्वल टू कितना 12 है सही है क्या यस इक्वेशन क्या सेकंड सही है दोनों को ऐड कर लिया जाए फर्स्ट प्लस क्या सेकंड तो t से t क्या आ जाएगा गायब हो जाएगा इधर g कॉमन आ जाएगा आएगा तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 6√3 इज इक्वल टू क्या 28 है सही है क्या तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा 6√3 -8 इनटू क्या g डिवाइडेड बाय क्या 28 आप चाहो तो 2 कॉमन लेकर भी हटा सकते हो सही है तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा 3√3 -4/40 इनटू क्या g ये क्या आ गया आपका टेंशन आ गया एक्सेलरेशन आ गया क्या आ गया एक्सेलरेशन टेंशन फाइंड करना होगा रख लो वैल्यू को है ना सही है रख लेना वैल्यू कोई दिक्कत रूट शूट में आएगा बस कैलकुलेशन रूट में होगा तो डरना नहीं है आपको यस सही है यस सर जोली यस सर ए जोली यस सर सही है हां तो एक्सेलरेशन ओरली बोलना भी सीखे पुलिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्या नेट मास जैसे इसमें पुलिंग फोर्स क्या 6√3g -8g देखो ना 6√3g -8g डिवाइडेड बाय नेट मास ये तरीका भी आप सीखे सही है यस सर लिखो भैया बरचस बाबू यस सर दो मिनट हो गया हां यहां तक कोई समस्या नो सर पक्का हां सर बोले ना भाई यस सर कोई सब मैथ्स की क्लास लेते हैं उसमें क्या चल रहा है एपी एपी हां 10th का 11th का पढ़ चुके हैं मंडे से टाइम चेंज करते थे पिछले साल नर्सिंग में तो हां एपीजीपी कहां पढ़े हो सर आप ही तो पढ़ाते थे 11th की क्लास में शाम को 4 बजे हां पिछले साल हां सर ठीक है यहां तक भैया यस सर नहीं बोलते भैया हे भैया यस सर सब ठीक है सर
सब ठीक ठाक है? हाँ सर। है? यस सर। उल्टा सर। चैप्टर चालू करने का बताइएगा। ठीक है सर। नहीं नहीं पता कोसाइन फार्मूला। डूब मरोड़े का था। वेक्टर में जाके देखना। फिर काइनेमेटिक्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बताया हूँ। न सड़ी। हल्का मारने लगा लगता है। नहीं बच्चा? यस सर। तुम भी मारते हो ऐसा नहीं है साथ साथ। ये अल्फा और ये क्या? बीटा। अरे क्या M1 और ये क्या M2। अच्छा ये कैसे पता लगेगा किधर चल रहा है? अगर इधर वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो इधर चलेगा और इधर वाला फोर्स इधर हो जाएगा तो इधर चलेगा। अच्छा बहुत लोग बोलते हैं कि मैं बहुत टीचर लोग ऐसे बताते हैं कि आप मत समझो किधर चल रहा है, आपको जहाँ इच्छा करे उधर चला दो। बहुत टीचर लोग बोलते हैं कि जहाँ इच्छा करे वहाँ चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्सेलरेशन माइनस आ गया मतलब उल्टा गया है, और प्लस आ गया मतलब आपका माना हुआ सही है, तो आप ये भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जजमेंट करे तो ज़्यादा अच्छा है। यस सही चीज़ों को। अब सुन लो, मान लो कि ये इधर आ रहा है, है ना, ये इधर आ रहा है सही है, तब बताना आपको क्या एक्सेलरेशन सही है, मतलब इधर का फोर्स ज़्यादा है। अब ध्यान दो, इधर क्या लगेगा भाई? M1g क्या साइन अल्फा सही है। इधर क्या लगेगा? M2g साइन बीटा। ओरली लिखवा दो एक्सेलरेशन। यस सर। लिखवाना ओरली यार सर। एम जो ए लिखवाना M1g साइन थीटा। M1g साइन अल्फा माइनस M2g साइन बीटा बाय M1 प्लस M2। कोई बड़ा क्वेश्चन? नो सर। समझ आया? यस सर। ऐसे ही सरेंडर करवा दिया करो। नॉर्मल वगैरह देने का इच्छा है दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नॉर्मल वगैरह तो आएंगे ही आएंगे सही है। इक्वेशन लिखवाओ इसमें पहले, इक्वेशन से टेंशन माइनस 2g साइन बीटा इजिकल्स टू क्या? M2a सही है क्या? Yes, यहाँ लिखवाओ इक्वेशन M1g साइन अल्फा माइनस टेंशन इजिकल्स टू क्या? M1a सही है क्या? Yes, दो इक्वेशन कितने वेरिएबल? दो वेरिएबल। दोनों क्या कर लिया जाए? ऐड। फर्स्ट प्लस क्या? सेकेंड। मेरी बात समझ में आ रही है? टी से टी क्या आ जाएगा? गायब है ना। इधर कॉमन क्या आ जाएगा? जी है ना। तो M1 साइन अल्फा माइनस क्या? M2 साइन बीटा। बाहर में क्या? जी। और इधर में क्या कॉमन आएगा? ए M1 प्लस M2। देखो तो यही तो आया था कि वैल्यू यही आया था ना सर। फाइंड ही कर लिए तो इतना करना क्या जरूरी था? आपको तो तरीका सिखाना है मुझे सही है। कोई दिक्कत? फाइंड कर लेंगे सही है। आप टेंशन फाइनल कर लो फर्स्ट में रखकर। बाई फर्स्ट में जाऊँ तो टी माइनस क्या? M2g साइन बीटा इजिकल्स टू क्या है? M2a ना। और एक ये लंबा चौड़ा वैल्यू सही है, है ना सही है। कितना लंबा चौड़ा वैल्यू? M1 साइन अल्फा माइनस इंटू जी होल डिवाइडेड बाई M1 प्लस क्या? M2। समझ आ रहा है? पक्का? देख लो यार कुछ गलती नहीं हुआ यार। सच्ची सही है? अच्छा इसको उधर भेज रहा हूँ और पूरे से M2 कॉमन लेता हूँ, है ना। तो M2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बच जाएगा क्या? M1 साइन अल्फा प्लस क्या? M2 साइन बीटा बाय और जी भी कॉमन आ जाएगा, है ना। M2g कॉमन ले रहा हूँ, जी का लफड़ा हटा लो सही है। और डिवाइडेड बाय नीचे में क्या? M1 प्लस M2। और ये माइनस उधर गया तो प्लस हो गया और M2g कॉमन आ चुका था साइन बीटा सही है, है ना। यहाँ माइनस आने यार। अब LCM लो, यहाँ LCM लो तो क्या जाएगा? M1 साइन बीटा माइन प्लस M2 साइन बीटा जो कैंसिल कर लेगा इसको, है ना। तो टेंशन की वैल्यू क्या? M2g हाँ 2 M1 टू नहीं M1 साइन अल्फा प्लस M2 साइन बीटा है ना। M1 साइन अल्फा प्लस क्या? M1 तो M1 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? साइन अल्फा प्लस क्या? साइन बीटा बाय M1 प्लस इनटू क्या? M1 सही है भाई। क्या M1 प्लस क्या? M2 यही टेंशन हो जाएगा सही है। Yes. ऐसे क्वेश्चन देख के कभी डरने नहीं है, याद नहीं रखना यार ये सबको। हाँ. याद करने की कोशिश में नहीं करना। Yes. ये नहीं चलो हम याद कर लेते हैं, ऐसे वाले सारे क्वेश्चन धो दिया करेंगे पकड़ के, सही है क्या? Yes, तो खुद धुला जाओगे ठीक है। धोने की कोशिश किए खुद धुला जाओगे, तो ऐसे क्वेश्चन को धोने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखें कॉन्सेप्ट पे। अरे सब आसान क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं। नीट वगैरह में अमूमन पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, नीट वालों के लिए सब टफेस्ट क्वेश्चन बोल सकते हो। हाँ जेई वालों के लिए सब Easiest मतलब जेई वाले यहाँ से आसानी करते हैं, मतलब स्टार्ट ही करते हैं। Yes. सही आता है? Yes, sir. मिटा रहा हूँ भाई। Yes, sir. हैं क्या बोलता रहे? मैं भाई वालों को बोलता है ना लायक भाई रख लो, एडिशनल में क्या दिक्कत है? Additional अगर याद कर लोगे तो। हाँ याद कर पाओगे? हाँ
रख लो, याद ही तो नहीं होता। फिर नीट का भी पेपर दे देना साथ साथ। सही आता है सब्जेक्ट का ही सर जी। क्या बोल रहे हो? फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत लोग करते हैं सर। क्या बोल रहे हो? फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं संभाल रहा। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं संभाल। केमिस्ट्री तो मजेदार है यार, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह। केमिस्ट्री में हर चीज पढ़ो तो और आगे का पढ़ना रहता है। ठीक है, वो एक और पढ़ लो तो केमिस्ट्री ज़्यादा आसान है फिजिक्स मैथ कंपेयर में। हाँ भैया, सही यहाँ तक? कोई दिक्कत? नो सर। ये 37 डिग्री और ये कितना? 53 है ना। ये 10 किलो का है ना। ये 5 केजी और ये क्या 10 केजी। सही क्या बोलोगे? यस सर। क्लियर हो? यस सर। क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है और क्या बताना है? टेंशन बताना है। बता सही है। क्या ये दोनों को सिस्टम मान सकता हूँ? मान सकते हो सर। पक्का? ये दोनों जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा? 15 केजी ना। अच्छा, ये रस्सी इसको इधर खींचेगा ना यार, इसको इधर। यहाँ टेंशन क्या बोल रहा हूँ? T1। तो यहाँ भी क्या? T1। इसको इधर, इसको इधर। सही है क्या? आप ये दोनों को मिलाकर सिस्टम बोल सकता हूँ? ये दोनों को मिलाकर सिस्टम बोल सकता हूँ। कितना किलो रिप्लेस करूंगा? 15 किलो। सही है। यहाँ पे टेंशन कितना रहेगा? T1। कितना रहेगा? T1। सही है। बोलते क्या नहीं हो यार? अच्छा, आप ध्यान दो। इधर कितना है? 10 kg है ना। तो यहाँ पे टेंशन क्या? T1। सही है। इधर क्या लगेगा फोर्स? 10g साइन 53। साइन 53 कितना? 4/5। ये आ जाएगा 8g। सही है। वो 9g आ जाएगा सर। इधर क्या लगेगा? 15g साइन 37। 37 डिग्री था ना इसका इंक्लिनेशन। 37 डिग्री था इसका, है ना। इसका कितना था? 53 डिग्री। तो ये कितना आ गया यार? 9g। कितना आ गया ये? 9g। सही है। फोर्थ 1g बाय टोटल। पक्का? ओरली बताओ एक्सेलरेशन। 9g माइनस 8g, जी बाय कितना? 25। इक्वेशन लिख के बताओ। कहाँ चाहे? इधर आएगा ना? ये ऊपर चढ़ेगा ना? लिखवाओ इसमें। ये जो कस्टू क्या 15 है उसके लिए लिख के बता दो। T1 माइनस 8G। ये जो कस्टू 10 है। सही है क्या? कोई दिक्कत? दो इक्वेशन दो वेरिएबल ऐड कर लेते हैं तो ये की वैल्यू कितना जाएगा? G/25। सही है। ये है ना यार, ये की वैल्यू कितना गया? G/25। अब टेंशन फाइंड आउट कर लो, है ना। T1 माइनस 8A है ना। 8A मतलब क्या? 8G/25। 8A आएगा, 8G आएगा, वही तो साला। T1 माइनस 8G इक्वल टू क्या? 10 है ना। Yes, sir. 10G by क्या? 25। कैंसिल कर लो, 25 जा 5। सही है। 8G उधर जाकर प्लस हो जाएगा। 42G by क्या? 5। सही है भाई। बरचास। सही है। T1 मिल गया। T2 के लिए इसका डायग्राम बना लो। 5 kg का 5 kg का डायग्राम बनाऊं? 5G sin 37 इधर माइनस T2। सही है। इधर T2 सही है। है? यस सर। नॉर्मल वगैरह लगा लेना। नॉर्मल एमजी कॉस थीटा तो लगेगा ही लगेगा। कहाँ आ रहा है ये? इधर आ रहा है ना यार। सही है। क्या लिखोगे सर जी? ये 3G आ जाएगा ना ये? हाँ सर। क्या लिखोगे? 3G माइनस T2 इक्वल टू क्या? 5A। सही है। 3G माइनस 5A। 5A मतलब क्या? एक G/25 इक्वल टू क्या? T2। 5 से कैंसिल आ जाएगा। 15G माइनस जी 14G। 14G भाई क्या आ जाएगा? 5। ये क्या मिल जाएगा? T2। सही है क्या? क्या मिल जाएगा ये? T2। सही है। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई समस्या तो बताओ। कुछ क्वेश्चन छोड़ दो तुम लोग के लिए, है ना। बरचस बाबू, कोई समस्या? हम नालायक थे सर, नालायक हैं सर। ये 2 किलो, ये 3 किलो,
अरे 5 किलो यस सर ठीक है सर इधर 8 किलो सही है यस सर अरे 3 किलो यस ये एंगल 53 डिग्री अरे एंगल क्या 30 बन जाएगा क्या है यस सर बनेगा यस सर बना लोगे यस सर है यस सर बना लेंगे बना लेंगे सर तुरंत बना दे अभी बन जाएगा पक्का ना रोग तो नहीं नो सर एचसीबी में कैसा क्वेश्चन है बाबा की किताब में सर अगर इजी होगा तो मुंबई दे दीजिएगा मैं नहीं बताऊंगा भाई ये 12 केजी है ये मान लो 5 केजी है यस सर सही है यस सर ए अच्छा और तो सर इसमें फॉर्मूला नहीं लगा सकते ना और ये मान लो कितना बात नहीं ये मान लो 8 केजी हां और ये एंगल 30 डिग्री yes, वहां पे ग्राम में दिया हुआ ग्राम को केजी में कन्वर्ट बन जाएगा यस सर हो जाएगा क्या दिक्कत है हां बन जाएगा यहां यहां टेंशन T1 यस सर और यहां T2 हां यहां का जो होगा मान इधर पुलिंग फोर्स क्या 12 जी हां और एक इधर 8 जी हुआ और इसका एक कंपोनेंट 5 जी ये 6 किलो कर लो ना सही है sin 36 6g sin 37 मतलब 3g 3g और 8g 11g वो 12 ये डोमिनेट कर जाएगा हां यस सर बन जाएगा ये बन जाएगा सर पक्का सर क्या बताना है आपको टेंशन और क्या एक्सेलरेशन बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन लिख लीजिए भैया यस सर लिखो यहां तक कोई समस्या नो सर एचसी बराबर में जो क्वेश्चन दिया है वो ग्राम में दिया हुआ है मास काय में दिए हुए हैं ग्राम में सर सारे मास ग्राम में दिए हां तीनों ग्राम में दे दिए वो भी बन जाएगा तो क्या दिक्कत है ग्राम को किलो में कन्वर्ट कर लेना सही है यस सर लिख लो भाई यस सर